हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बता दें कि वह आज पत्रकारों से चंडीगढ़ में रूबरू हो रही थी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद किसानों के मुद्दे पर चर्चा करवाने के साथ ऐसे विधायकों को एक्सपोज करना है जो दोगले चरित्र के हैं, जो किसानों में जाकर कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ और बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस कई मुद्दे उठाएगी। उन्होंने कहा कि किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग ना मानते हुए हठधर्मिता कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से ही किसानों के हित में कार्य किया है। भाजपा सरकार किसान विरोधी है। भाजपा किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते किसान बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। किसानों पर आंदोलन के तहत पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। सेशन आज हमारी सीएलपी की मीटिंग होने जा रही है और मेरे ख्याल में हम लोग सारे के सारे यही तय करेंगे कि हम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लेकर आएँ, क्योंकि सारे जो हैं आधे जितने भी विधायक हैं वो जो इनको समर्थन भी दे रहे थे और जो नहीं भी दे रहे हैं, उनकी सारी की सारी बात सामने आ जाए कि भाई कौन सा विधायक इन काले कानूनों के पक्ष में है, कौन सा विधायक इन काले कानूनों के कहते विरुद्ध में है, और फिर जनता के दरबार के अंदर ये बात आए। और जनता जो है वो आने वाले समय में, आप जानते हो, प्रजातंत्र के अंदर जो है वोट से जो है सत्ताएं बनती हैं और सत्ताएं हटती हैं, तो जनता को भी पता चल जाएगा कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके विपक्ष में, और आने वाले समय में जनता उनका दूध का दूध पानी का पानी करेगी। बजट सेशन को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं? आज हम सीएलपी मीटिंग के अंदर यही सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने अपने निजी तौर पे भी जो है 20-30 क्वेश्चंस जो हैं मैंने भेजे हुए हैं, और कॉलिंग अटेंशन मोशंस मैंने भेजे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, ये SIT जो गठित करी थी इन्होंने, जिसका अभी ये आया है, इन्होंने दिया है, रिकॉर्ड दिया है, अवैध शराब के ऊपर, इसके ऊपर हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, सारे के सारे घोटाले ही घोटाले हैं, कोई इतने सारी लंबी लिस्ट है कि सेशन तो इतने लंबे चलते नहीं हैं, हमारे को तो मौका ही नहीं मिलता कि हम सारी बातें उठा पाएँ, और ये हमारे को उठाने भी नहीं देते हैं। हमेशा जो है सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की जो है ना गला घोटने की कोशिश करता है कि हम ये बातें उठा ना पाएँ। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.